हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला में। आपको पता ही होगा कि मैंने जनरल साइंस का एक फाउंडेशन जो कोर्स है वो शुरू किया है, जिसमें मैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं कवर करवाऊंगी, जो कि NBS, KVS, PGT, TGT एग्ज़ाम में जो भी आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगी। पहला टॉपिक मैंने सहला वो कवर करवा दिया है। आज का दूसरा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लांट में क्या टाइप है, उनके एनिमल में क्या टाइप है। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। यूनिट के फॉर्म में वो काम करते हैं। टिश्यू जो टर्म दिया था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक्सवियर बायचैट ने 1801 में। ठीक है, तो आपको पता है साइंटिस्ट का नाम तो पक्का पूछा ही जाता है क्वेश्चंस में, और साथ में ईयर भी पूछा जा सकता है। तो आप इस ईयर को और साइंटिस्ट के नाम को ध्यान से याद रखें और इसको एक फ्लो चार्ट में ज़रूर बनाएं। अब शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो ऑर्गेनाइज टारगेट टुवर्ड स्टेशनरी हैबिटेट। किसकी तरफ टारगेट करते हैं, स्टेशनरी हैबिटेट के, प्लांट के स्टेशनरी हैबिटेट के तरफ टारगेट करते हैं। ऐसे ही एनिमल टिश्यू है वो मोबिलिटी के तरफ टारगेट करते हैं। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। प्लांट के अंदर में जो बहुत सारे टिश्यू हैं वो डेड होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू में सभी के सभी लिविंग होते हैं। प्लांट टिश्यू में जो है वो ग्रोथ है एक सर्टेन एरिया तक ही होती है, लेकिन एनिमल टिश्यू में ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। प्लांट टिश्यू में जो एनर्जी है वो कम रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल टिश्यू, मतलब एनिमल टिश्यू में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। प्लांट है ग्रोथ वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, लेकिन एनिमल टिश्यू की जो ग्रोथ है वो एक मैच्योरिटी स्टेज के बाद कभी भी ग्रोथ नहीं करती। ठीक है, मतलब उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करते। ठीक है, अब शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू के पूरे डिटेल स्टडी में। एनिमल टिश्यू मैंने आपको बता ही दिया है होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू में हम फर्स्ट डील करेंगे मसल टिश्यू के पार्ट के बारे में, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड नर्वस टिश्यू और फोर्थ एपिथेलियल टिश्यू। जो मसल्स टिश्यू होते हैं उसमें आते हैं कार्डियक, स्केल्टन, स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो स्केल्टन, कार्डियक और स्मूथ मसल्स है ये डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्ट्रैटेड जो है वो वॉलेंट्री मसल से प्रेजेंट होती है, स्मूथ वो इनवॉलेंट्री मसल्स, और कार्डियक हार्ट मसल में प्रेजेंट होती है ये टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का तो आपको पता ही होगा, ब्लड में, लिम्फ में, बोन में, कार्टिलेज में, एल्यूरल में, एडिपोज में, लिगामेंट में, टेंडम में, सभी के सभी किससे बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में कौन आते हैं, न्यूरॉन्स और जो नर्व सेल्स होती है वो सभी किससे बने होते हैं, नर्वस टिश्यू से। उसके बाद फोर्थ है एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्यूमुलोनर और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये सभी किसके टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट देखिए इनकी स्ट्रक्चर में आपको आराम से डिफरेंस पता चल रहा होगा, कौन सा मसल टिश्यू है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है और कौन सा नर्वस है और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर जो कि है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में देखिए फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं उनकी शेप आपको बिल्कुल आराम से दिखाई दे रही होगी, जो मैंने फर्स्ट जो आपको ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। तो सिंपल जो पहले तो देखो एपिथेलियल टिश्यू होते क्या, पहले ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ में क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट रखते हैं अपनी, शीट जो होती है। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वन ऑफ विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, मीन्स ये सिर्फ एक थिन लेयर। आपको देखो शेप आराम से इसकी दिखाई दो, कितना थिन, कितना पतला लेयर है इसका एज कम्पेयर टू अदर टिश्यू। ठीक है, कितनी लाइनिंग है वो कितनी थिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनके टाइप कौन कौन से हैं।
टाइप में फर्स्ट हम डील करेंगे किसके बारे में, स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस जो एपिथेलियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको यही याद रखना है, यही मेन क्वेश्चन होगा कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से क्या क्या ऑर्गन्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ है लाइनिंग ऑफ माउथ, किसकी लाइनिंग बनी हुई है, माउथ की, और ईसोफेगस की भी, और लंग्स की, और एल्वियोलाई की, सबकी सबकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल से। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल से क्या, वो स्किन बनी हुई है ना। नेक्स्ट देखिए क्यूबोइडल एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल की फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स की और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, यहाँ पे ये आई नहीं आर होगा, ठीक है, आई आर वाई सलाइवरी ग्लैंड्स की। नेक्स्ट है कोल्यूमिनर एपिथेलियम, कोल्यूमिनर एपिथेलियम का काम होता है कि क्या बनाने के लिए, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को। कुछ स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं जहाँ पे शायद मैंने इनको मेंशन नहीं किया, उसमें होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में। ठीक है, और जो सीलिएटेड दूसरा होता है सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड जो एपिथेलियल वो क्या बनाते हैं, सीलिया वगैरह जो होता है ना उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा मूव करेंगे, मस्कुलर टिश्यू की ओर। मस्कुलर टिश्यू है उसका मेन पार्ट क्या क्या है, देखो मस्कुलर टिश्यू का मेन है अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मसल्स में मूवमेंट होती है। ठीक है, इसमें है जैसे स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केल्टल मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, जो स्केल्टल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब अपनी इच्छा से ही, हाँ भाई हम कैसे क्या कर सकते हैं मूवमेंट में। ठीक है, देखिए जैसे बॉडी जो अटैच होती है, बॉडी में अटैचमेंट और बॉडी की मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है फॉर्मेशन में, स्केल्टल मसल्स टिश्यू। ठीक है, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो वॉलेंट्री मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से उन्हें मूव करवा सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री क्या होता है कि वो अपने आप ही मूव करेंगी, हमारा उन पर कोई बस नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे इरीज ऑफ आईज, यूट्रस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, क्या हम यूटर वगैरह को रोक सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट है जो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जो रिलैक्सेशन हार्ट में जो रिलैक्सेशन होती है, जो पूरा हार्ट जो मसल्स है वो किससे बनी हुई होती है, कार्डियक मसल से, किससे बनी होती है, कार्डियक मसल से। देखो अब आप देखो इनके नाम से स्ट्रक्चर देखो, ये है स्केल्टल मसल्स, ये है स्मूथ मसल्स और ये है कार्डियक मसल्स, आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा इन पे, है ना। ठीक है, आराम से दिख रहा होगा आपको ये इसमें डिफरेंस कितना है। आप चलते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के पास में। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बताए थे, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, यहाँ सभी कौन होते हैं, कौन होते हैं यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसमें देखो एल्वुलर और एडिपोज टिश्यू भी हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स, नर्वस। ठीक है, ठीक है, आया समझ में इतना। ठीक है, तो इसमें देखो कहाँ का, इंटरनल ऑर्गन्स में, स्किन में, सभी में कौन प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं सबके सब। ठीक है, अब देखिए इनकी डायग्राम आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, एलोरल टिश्यू हो गया, कॉम्पैक्ट बोन्स हो गया, ब्लड, सभी के सभी में कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। फोर देखते हैं नर्वस टिश्यू, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है क्योंकि स्टिमुलेट करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ठीक है, एक मतलब एक बॉडी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जगह मतलब किसने, बॉडी में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल ब्रेन में, नर्वस में, जो भी सभी कंपोज होते हैं वो किसके हुए बने हुए होते हैं, नर्वस टिश्यू के। ठीक है, अब देखिए न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये है ना, सबको पता है लार्जेस्ट न्यूरोन कौन सी है, लार्जेस्ट सेल क्या है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में देखिए, देखो ये पूरी
स्ट्रक्चर जो बनी हुई है ये वाली, इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। एक सेल से सिग्नल आया इसके पास, ये क्या करेगा, उसे एक्सॉन के थ्रू आगे पहुँचाएगा, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनके अंदर सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। ये सभी किससे बने हुए होते हैं? नर्वस टिश्यू से। किससे बने हुए? ये नर्वस टिश्यू से, ठीक है। देखिए सभी आपको ये सारे के सारे नाम है, स्वान सेल्स है, माइलिन शीथ्स है, नोड ऑफ रेनवेरे है, एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन है, सेल बॉडी, सब के सब पता होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा टिश्यू होता है, मतलब कौन सा पार्ट होता है न्यूरॉन्स में, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर डिफरेंशिएट बता रखा है एपिथेल टिशू का, कनेक्टिव टिशू का, मसल्स टिशू का एंड नर्वस टिशू का। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिशू के फीचर हैं, कुछ एपिथेलियल के हैं, कुछ मसल्स के हैं, कुछ नर्वस के हैं। तो मैंने ये एक साथ में कंपाइल कर दिया है, इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसे पढ़िए, ठीक है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, उसके टाइप भी, कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्लांट टिश्यू की ओर, ठीक है। मैंने बताया था जो प्लांट टिश्यू है वो कैसे, किससे बने हुए हैं? बहुत सिंपल टिश्यू से बने हुए, सिंपल सेल से बने हुए हैं, एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, है ना, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें दो आएंगे, एक मेरिस्टेमिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो क्या करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन के बेस पे मेरिस्टेमिक टिश्यू को भी डिफरेंशिएट किया गया है और परमानेंट टिश्यू को भी डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। अब देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू होते क्या हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू होते क्या हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है, डिफरेंस बता देती हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़िए और आराम से इसको देखिए, ठीक है। अब चलते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। अब देखिए, देखो पहले मैं बता रही हूँ मेरिस्टेमिक टिश्यू है यहाँ पर एक साइड में और एक साइड में है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो मेरिस्टेमिक टिश्यू हैं वो सेल डिवाइड करते हैं रिपीटेटिवली, कैसे डिवाइड करते हैं? रिपीटेटली, बार बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये ड्राइव होते हैं, परमानेंट टिश्यू किससे ड्राइव है? मेरिस्टेमिक टिश्यू से, और ये डू नॉट डिवाइड, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमिक टिश्यू, डू नॉट डिवाइड, ओके। सेकंड फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है, जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। और जो परमानेंट है उसमें फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं, कैसे होते हैं? फुली डिफरेंशिएटेड, ठीक है, डिफरेंशिएटेड, ओके। अब थर्ड, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अब मैं इसको इरेज करके थर्ड पॉइंट लेके आ रही हूँ। थर्ड पॉइंट में देखिए कि जो इनका साइज है वो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है जो उनका साइज है वो क्या है? स्मॉल है, ठीक है। और जो परमानेंट है उनका वेरिएबल करेगा साइज और शेप वगैरह, क्या करेगा? वेरिएबल, अलग अलग रहेगा, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू में जो वैक्यूल होती है, जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेटाबॉलिज्म जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है उसमें हाई होता है और इसमें परमानेंट में लो होता है, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है मेरिस्टेमेटिक की वो क्या होती है? थिन होती है, ठीक है। और इसमें क्या है? थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, ओके, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस थे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में थे, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं और जो परमानेंट टिश्यू है
इसमें मैंने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया। देखो यहाँ पे जैसे ग्रोइंग टिश्यू होता है, डिवाइड करते हैं रैपिडली, ठीक है, ये डिवाइड नहीं करते, डेड होते हैं, ज़्यादा डिवाइड नहीं करते। इनका एग्जांपल पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करते हैं, कहाँ से राइज होते हैं, मैरिज में, सब मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। इनको आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन मतलब ड्राइव कहाँ से होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। तो इसको ज़रूर, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए टाइप भी मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है, आपको अच्छे से यही रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा, इसी से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो परमानेंट टिश्यू होते हैं और मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू में एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। सिंपल परमानेंट में देखिए पे तीन होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरलकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और खाना पहुंचता है ना प्लांट में, तो वो कौन करता है, किनका काम है, वो कैसे हो रहा है, वो काम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के थ्रू हो रहा है, ठीक है। उसमें जो जाइलम है उसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और फ्लोएम में सीवी ट्यूब, सीवी एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ये सभी किसके टाइप हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। और मेरिस्टेमेटिक में मैंने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटर होता है, वही मैं आपको इनका एक एक डिफरेंस आराम से बताऊंगी, ठीक है। चलते हैं अब शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से इनकी शेप बता रही हूँ, अब ध्यान से देखना कि कौन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए अब जो एपिकल है मतलब ऊपर की बात हो रही है, एपिकल मतलब जो ऊपर की साइड बिल्कुल प्रेजेंट है, वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। किसका टाइप है ये, किसका टाइप है ये, ये देखिए किसका टाइप है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। मतलब डिवीज़न होता रहेगा, लगातार डिवीज़न नहीं रुकेगा भाई इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी देखो यहाँ जो लीफ है वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ के लीफ के आसपास में कौन सा है, इंटरकैलरी, और बाद में कौन सा, लास्ट में कौन सा है, बिल्कुल लेटरल, कौन सा है, लेटरल, है ना, ठीक है। देखो जो एपिकल होता है, मैं आपको अभी एक बता, जो एपिकल होता है इसका क्या काम है, ये तो देखो, एक तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, टिप पे, कहाँ प्रेजेंट है ये, टिप पे, ठीक है। और करता क्या है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा ये, प्लांट ग्रोथ क्या करवाएगा, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा ये, ठीक है। देखिए लेटरल देखिए, अब लेटर कहाँ पर है, बिल्कुल नीचे, ये रहा लेटरल, दिखाई दे रहा है ना सभी को, लेटर क्या कहता है, ये इंक्रीज करता है थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट, इसको हम वर्ड देते हैं ग्रिथ, ठीक है। क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेम की और रूट की, किसको, सॉरी एक मिनट, तभी देख, इंक्रीज स्टेम एंड रूट थिकनेस, ठीक है, जिसको हम क्या वर्ड दे रहे हैं, ग्रिथ, ओके। अब थर्ड देखिए इंटरकैलरी, मतलब जो मोटाई बढ़ती है जो प्लांट की, वो कहाँ पर होती है, किससे होती है, लेटरल मेरिस्टेम से। अब देखिए थर्ड इंटरकैलरी, इंटरकैलरी देखो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लीफ होती है ना उसके बेस पे, ठीक है, इंटरनोड की जो ट्विंग होती है, जैसे आपने वो देखा होगा ना बैम्बू प्लांट देखा हो, तो यहाँ से ये इसका नोड हो गया, तो यहाँ से जो ग्रोथ निकलेगी वो क्या होगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ग्रोथ होगी, ठीक है, जहाँ पर जोन ऑफ एलोंगेशन दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो एंटी नोड की जो स्पेस, जो जगह है, जो स्पेस है, उसको इंक्रीज करता है कौन, इंटरकैलरी, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन आ रहा है, स्क्लेरलकाइमा और सॉरी स्क्लेरलकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये सभी किसके पार्ट आ गए हैं हमारे यहाँ पर, सिंपल परमानेंट के, ठीक है, सिंपल परमानेंट के। अब देखिए मैं आपको ना सिंपल परमानेंट के आराम से एक एक डिफरेंस है वो बताती हूँ, चलो ठीक है शुरू करते हैं फिर, ठीक है शुरू करते हैं पैरेन्काइमा से। यहाँ मैं पैरेन्काइमा लिख देती हूँ, यहाँ पर कोलेनकाइमा और यहाँ पे स्क्लेरलकाइमा, ठीक है। यहाँ पर इनके कुछ फीचर्स होंगे उनके बारे में, पहले तो सेल की शेप देखते हैं, ठीक है, जो सेल की शेप होती है वो ओवल शेप होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कुलर भी होते हैं और ओवल भी होते हैं और पॉलीहेड्रल भी होते हैं, पॉलीहेड्रल भी होते हैं, ठीक है। और जो स्क्लेरलकाइमा है इनकी शेप है वेरिएबल होती है, ठीक है।
मतलब कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है कि उनकी शेप कैसी होगी। नेक्स्ट है सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल में इनकी सेल वॉल थिन होती है, इनकी अनइवन होती है, ठीक है, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और इनकी क्या होती है स्केलेटन की? लिग्निफाइंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट। कैसी होती है? लिग्निफाइल सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है, दो हो गई। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म। थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें अबंडेंट होता है, किसमें? पैरेन्काइमा में, कोलनकाइमा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्केलेनकाइमा में एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या क्या एब्सेंट होता है? साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। आ सकता है ना क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सिंपल मेरिस्टेमिक टिश्यू है जिसमें क्या है, जिसमें क्या नहीं, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसमें क्या नहीं है? साइटोप्लाज्म नहीं है, और वो कौन है? स्केलेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो, जो वैक्यूल्स होती हैं वो पैरेन्काइमा में क्या होती हैं? लार्ज होती हैं, ठीक है, और इसमें भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वैक्यूलेटेड होता है ये भी, और वैक्यूल्स स्केलेनकाइमा में एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, ठीक है। शुरू कर, अभी इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अच्छा, मेरा आई नो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा पेन में दिक्कत आ रखी है आज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट लिख देती हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। इनका जो पैरेन्काइमा का फंक्शन है वो क्या है? कोलनकाइमा का। स्केलेनकाइमा जो फंक्शन है, पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड स्टोरेज के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो कोलनकाइमा है वो क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल, जो जो थोड़े देखो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड करते हैं एक तो, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी हम एक टैनी को लेते हैं, उसको नीचे मूव कर मोड़ देते हैं, ठीक है, वो वापस से अपनी पोजीशन पे जाके वहीं चली जाती है, तो क्या है? अब ज़्यादा एक ज़्यादा ही फोर्स अगर खींचेंगे तो टूट जाएगी, एक ऐसे छोड़ जाएंगे तो वो वापस से मूव करेगी। वो किसकी वजह से आ रखा है? कोलनकाइमा की वजह से, ठीक है। और जो स्केलेनकाइमा वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रेस से, स्ट्रेन से। ये कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में देखिए कौन कौन आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जाइलम और फ्लोयम। कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। अब जाइलम फ्लोयम में देखो डिफरेंस आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? पानी। और फ्लोयम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? खाना, ठीक है। देखिए आपको आराम से दोनों की शेप दिखाई दे रही होगी। देखो ये फ्लोयम की है, सॉरी जाइलम की, और ये फ्लोयम की है। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल आराम से। पिट्स का डिफरेंस है, ठीक है, मूवमेंट का डिफरेंस है। कि एक देखो, एक मेन, सबसे मेन डिफरेंस याद रखना, बिल्कुल जो आ ही सकता है, जिसके 99.9% चांस है, वो है वन वे। कि वन वे कौन है और टू वे कौन है, मतलब बाई डायरेक्शनल कौन है और यूनि डायरेक्शनल कौन है। जो जाइलम है वो क्या है? यूनि डायरेक्शनल। और जो फ्लोयम क्या है? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। खाना तो सबको चाहिए, तो खाना तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन पानी क्या है? रूट से अपवर्ड की साइड ही जाता है, इसलिए फ्लोयम बाई डायरेक्शन मूवमेंट करता है और जाइलम यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, ठीक है। चलो अब मैं इनका डिफरेंस, इनका और डिफरेंस बता देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के ऊपर। एक तो मैं फ्लो चार्ट आपको दे भी दिया है, उससे छोटा एक फ्लो चार्ट मैं आपके लिए और बनवा देती हूँ अभी, ठीक है। पहले जाइलम, यहाँ पर ये फ्लोयम, आप समझ जाएंगे एक्स और पी का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। जैसे सेल लिविंग है या डेड है, फर्स्ट है सेल लिविंग है या डेड है, ठीक है। जाइलम में क्या होते हैं? डेड। और फ्लोयम में क्या होते हैं? लिविंग, ठीक है। सेल वॉल की थिकनेस, ये जाइलम थिक होते हैं और फ्लोयम क्या होते हैं? थिन होते हैं, ठीक है, सेल वॉल की थिकनेस। नेक्स्ट, ये मटेरियल किससे, मिक्स मटेरियल से बने हुए, जाइलम बने हुए हैं लिग्निन से और फ्लोयम बने हुए हैं सेलुलोज से। किससे बने हुए हैं? सेलुलोज से। परमिएबिलिटी देखिए, अब कौन सा परमिएबल है, कौन सा परमिएबल नहीं है, है ना। तो इम्परमिएबल होता है जाइलम,
और ये होता है परमिएबल, ये होता है परमिएबल, ठीक है। अब ये देखिए, क्रॉस वॉल जो होती है वो होती है या नहीं होती? क्रॉस वॉल्स नहीं होती। किस में नहीं होती? जाइलम में। इसमें होती है सीवी प्लेट्स। फ्लोएम में क्या होते हैं? सीवी प्लेट्स, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5 डिफरेंस यहाँ बता दिए। अब मैं आपको एक दो और बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जाइलम में और फ्लोएम में दोबारा से दो डिफरेंस और। साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का जाइलम में नहीं होता और इसमें फ्लोएम में होता है। फंक्शन का, वाटर और सोल्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और ये शुगर को करता है। किस फॉर्म में करता है शुगर को? याद रखना, किसकी फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। अब सुक्रोज की फॉर्म में क्यों करता है भाई? कोई और फॉर्म क्यों नहीं है इसके पास में? क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी फॉर्म में होता है सुक्रोज की। क्यों होता है भाई? क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ये बता दिया यहाँ पर क्या था, यहाँ शुगर, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन क्या है? ये अपवर्ड है जाइलम में, और इसमें अप भी है और एंड डाउन दोनों है ना। खान सबको चाहिए है। अब स्पेशल फीचर्स क्या हैं? स्पेशल फीचर्स हैं ये है, इसमें है फाइबर्स और इसमें है, इसमें क्या है? कंपेनियन सेल। क्या है? कंपेनियन सेल किसमें है? फ्लोएम में, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस मैंने अपने आप से बनाए हैं छोटे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं चलती हूँ आपको, जो मैंने एक और डिफरेंस इसमें डाला है। देखिए, जाइलम का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कैसे हैं? किसके लिए हैं? वाटर और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और फ्लोएम में क्या है? लिविंग टिश्यू होते हैं, फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। टाइप्स ऑफ सेल, कंटेन डेड सेल होते हैं इसमें। एक्सेप्शन में कौन आ रखा है? कौन है एक्सेप्शन में? पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में क्या? मोस्टली लिविंग होते हैं। मेटेरियल, फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स, और इसमें सीवी सेल्स, सीवी ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइम और कंपेनियन सेल, अभी मैंने आपको बताया। लोकेशन में कहाँ? जाइलम डीप इन द प्लांट सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये आउटसाइड होते हैं, ये इनसाइड होते हैं, ये आउटसाइड होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम। और नहीं करता कौन? फ्लोएम नहीं करता, ठीक है। मूवमेंट, अब मूवमेंट का तो मेन आपको याद रखना ही पड़ेगा। मेन मूवमेंट वाला कौन है? यूनिडायरेक्शनल में तो जाइलम और बाई डायरेक्शनल में फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम की फंक्शन देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, जो खाना बनाया लीव्स ने उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, जाइलम कंसिस्ट मोनली बल्क ऑफ द बॉडी प्लांट, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होता है क्या? जाइलम। नेक्स्ट, कौन से स्मॉल पार्ट, जो फ्लोएम होता है वो है उसका एक छोटा पार्ट ही प्रेजेंट होता है। किसमें? किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है मेरे को, ठीक है। आज हमने इतना सारा कवर किया है। क्या कवर किया है हमने? प्लांट टिश्यू कवर किए हैं और एनिमल टिश्यू है। एनिमल के 4 टाइप्स और प्लांट के परमानेंट और मेरिस्टेम, फिर मेरिस्टेम और परमानेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िए और इनके क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ कल आराम से, ठीक है। आप इसको इतना इतनी आप इसको पढ़िए आराम से, फिर आपको क्वेश्चन करके देखिए आराम से कि आपसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेके आने में थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, और ऐसे ही आप अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ इसी पूरे सेशन, पूरी सीरीज़ में, जो मैंने फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ है इसको जो पूरा बनाया है, इसके साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू।